गोवा से जुड़े बुनियादी तथ्य। राजधानी पणजी। आधिकारिक भाषा कोंकणी मराठी। क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर 29वां। जनसंख्या 14,57,723 2011। साक्षरता दर 88.70%। जिले 2, विधानसभा सीटें 40, लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीटें 1। स्थापना 30 मई 1987। पहले मुख्यमंत्री दयानंद भंडारकर, पहले राज्यपाल गोपाल सिंह। गोवा की जनसंख्या से जुड़े रोचक तथ्य। छोटा राज्य होने के कारण इसकी जनसंख्या भी बेहद कम है, करीब 15 लाख। गोवा में करीब 61% लोग कोंकणी भाषा बोलते हैं। इसके सिवाय 19% लोग मराठी, 7% कन्नड़, 5% हिंदी, 4% उर्दू और अन्य भाषाएं बोलते हैं। गोवा में लंबे समय तक पुर्तगाली शासन रहा है। उन्होंने ईसाई धर्म का काफी प्रचार प्रसार किया, जिसकी वजह से यहाँ की 27% आबादी ईसाई है, 66% हिंदू, 9% मुसलमान और बाकी की अन्य धर्मों को मानती है। सन 1851 में गोवा की 65% जनसंख्या ईसाई हुआ करती थी, पर कई ईसाइयों के यूरोप तथा अमेरिका चले जाने से यहाँ पर ईसाइयों का अनुपात कम हो गया। यहाँ के ईसाई समाज में भी हिंदुओं जैसी जाति व्यवस्था पाई जाती है। गोवा के इतिहास से जुड़े तथ्य। गोवा का प्रथम वर्णन रामायण में मिलता है। पौराणिक लेखों के अनुसार सरस्वती नदी के सूख जाने के कारण उसके किनारे बसे हुए ब्राह्मणों को दोबारा बसाने के लिए परशुराम ऋषि ने समंदर में शरसंधान किया। ऋषि का सम्मान करते हुए समंदर ने उस स्थान को अपने क्षेत्र से मुक्त कर दिया। ये पूरा स्थान कोंकण कहलाया और इसका दक्षिण भाग गोपपुरी कहलाया, जो वर्तमान में गोवा है। 3री सदी ईसा पूर्व में भारत के अन्य हिस्सों की तरह गोवा मौर्य साम्राज्य का हिस्सा रहा। 1ली सदी के शुरुआत में इस पर कोल्हापुर के सातवाहन वंश के शासकों का अधिकार स्थापित हुआ और फिर बादामी के चालुक्य शासकों ने इस पर वर्ष 580 से 750 तक राज किया। वर्ष 1312 में गोवा पहली बार दिल्ली सल्तनत के अधीन हुआ, लेकिन उन्हें विजयनगर के शासक हरिहर प्रथम द्वारा वहां से खदेड़ दिया गया। विजयनगर साम्राज्य ने गोवा पर लगभग 100 साल तक राज किया और इसके बाद 1469 में गुलबर्ग के बहामी सुल्तान ने इसे फिर से दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया। सन 1483-84 में गोवा मुस्लिम शासक यूसुफ आदिल खान के अधिकार में आ गया। सन 1510 में पुर्तगाली अल्फांसो द अल्बुबक ने यहां आक्रमण कर अधिकार कर लिया। अल्बुबक का आदिल खान से एक और भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें पुर्तगालियों ने उसे हरा दिया। गोवा में उन्होंने सभी मुसलमानों का कत्ल कर दिया। इसके बाद 1961 तक गोवा पर पुर्तगालियों का राज रहा। वो अंग्रेजों के अधीन रहकर यहाँ पर शासन करते थे। आजादी के बाद भारत ने मांग की कि गोवा भारत को सौंप दिया जाए, पर पुर्तगाल इसके लिए तैयार ना हुआ। अंत दिसंबर 1961 में एक सैनिक अभियान चलाया गया और गोवा को भारत में शामिल कर लिया गया। 30 मई 1987 तक गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश था। इसके बाद इसे राज्य का दर्जा दे दिया गया। गोवा राज्य से जुड़े भौगोलिक तथ्य। महज 3,702 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। आमतौर बड़े राज्यों के जिलों का क्षेत्रफल इतना होता है। यहाँ छोटे बड़े लगभग 40 समुद्री तट है। इनमें से कुछ समुद्र तट अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं। 2 समुद्री तट तो ऐसे हैं जहाँ भारतीयों का जाना ही मना है। गोवा की सीमा सिर्फ 2 राज्यों ले लगती है, महाराष्ट्र और कर्नाटक। गोवा का दूधसागर झरना भारत के सबसे ऊंचे पानी के झरनों में से एक है। इसकी ऊंचाई 310 मीटर है। चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का एक सीन यहीं पर फिल्माया गया था।